हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वीलॉग्स बाय श्वेता। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही प्यारा सा DIY शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने सीमेंट से बनाया है, ये एक टी कोस्टर सेट है। मैंने एक ट्रे बनाया है, कोस्टर्स बनाए हैं और कोस्टर्स को रखने के लिए एक छोटा सा ट्रे बनाया है। ये पूरा जो DIY है ये सीमेंट से बनाया हुआ है। सबसे पहले आपको एक बास्केट लेना है, और बास्केट या फिर आप एक कंटेनर ले सकते हैं, उसमें आपको सीमेंट डालना है। उसके बाद आप उसमें पानी ऐड करेंगे। मेक श्योर कि आप जब पहली बार उसमें पानी डालेंगे तो आपको एक बार में सारे पानी को नहीं डालना है, क्योंकि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग, जैसी आपको कंसिस्टेंसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप उसमें पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। मेक श्योर कि उसमें कोई भी लंप ना हो और वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। देन आपको एक न्यूज़पेपर लेना है, और उसके ऊपर आप इस तरीके की एक पॉलीथीन रखेंगे जिससे आपका जो पोस्टर है सूखने के बाद बहुत ही आसानी से निकल जाए। और आप उस मिक्सचर को एक स्पून की मदद से अच्छी तरीके से फैला देंगे। और फिर ये मेरे घर में एक प्लास्टर ट्रवल पड़ा हुआ था, ये कोई भी प्लास्टर को शेप देने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे मैं इस तरीके से इसको स्मूथ करने के लिए, इसे अच्छा सा शेप देने के लिए यूज़ कर रही हूँ। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, आप चाहें तो इसे रेक्टेंगुलर शेप दे सकते हैं, सर्कल शेप दे सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस कोस्टर को राउंड शेप में रखा है, यहाँ पे मैंने इसे स्क्वायर शेप में रखा है। तो इस तरीके से आपको जो भी शेप पोस्टर को देना है आप उसे बना सकते हैं, और फिर इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। अभी मैं एक मिठाई का डब्बा ले रही हूँ, आपके घर में भी होगा। तो इस तरीके से उसमें जो भी मिक्सचर है मेरे पास, अभी जो मैंने सीमेंट का मिक्सचर बनाया था, उसे मैं इस तरीके से डाल दूंगी और फिर मैं उसे सेक कर दूंगी जिससे ये इक्वल हो जाएगा। देन मैंने जो भी स्वीट बॉक्स लिया था या जो भी मैं डब्बा लूंगी कार्डबोर्ड का, कार्टून का, उसके बाद उससे छोटा डब्बा को इस तरीके से सेंटर में रखेंगे आप। और सेंटर में रखने के बाद कोई भी भारी सामान या हेवी ऑब्जेक्ट आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ईंट के टुकड़ों को यूज़ किया है जिस तरीके से ये अपनी जगह से नहीं हिले और बिल्कुल फिक्स होके रहे। इसके बाद मैंने ये सेल्लो टेप लिया है, और सेल्लो टेप की मदद से मैं इसे अच्छी तरीके से फिक्स कर दूंगी। दोनों साइड पे मैंने लगा दिया है, और फिर मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। अभी मैंने जो कोस्टर्स बनाया है उसे रखने के लिए मैं एक ट्रे बनाऊंगी। उसके लिए मैंने एक छोटा सा डब्बा लिया है, और मेरा जो सीमेंट का मिक्सचर था मैंने उसे डाल के सेक कर दिया है। उसके बाद इस डब्बे से जो छोटा डब्बा है उसे मैं फिर से ऐसे सेंटर पे रखूंगी जैसे मैंने ट्रे में यूज़ किया था, और फिर उसके ऊपर मैंने ये ईंट के टुकड़े को रख दिया है जिससे ये अपनी जगह से ना हिले। अगला दिन देखिए आप कोस्टर्स सूख गए हैं। सूखने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेंगे। अभी जो मैंने कोस्टर्स को रखने का ट्रे बनाया था, इस तरीके से मैं डब्बे से निकाल लूंगी। ये मेरा अभी ट्रे भी सूख गया है, मैं इसे भी निकाल लूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे या यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये DIY कैसा लगा। ये देखिए ट्रे सेट सूख गया है। अभी जब भी आप ये सीमेंट का क्राफ्ट बनाएंगे तो इसके जो एजेस हैं वो चिकने नहीं होंगे, स्मूथ नहीं होंगे। आपको इस तरीके से एक सैंड पेपर लेना है और उसके एजेस को स्मूथ करना है। आप इस तरीके से रब करेंगे और उसे फिर पानी से अच्छे तरीके से धो लेंगे। नेक्स्ट डे आप इस DIY को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसे थोड़ा और अच्छा लुक देना चाहती हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पे एक्रेलिक पेंट यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने ब्लैक कलर का एक्रेलिक पेंट लिया है जिससे मैंने ट्रे के बॉर्डर को कलर किया है। अभी मैंने ये रेड कलर लिया है और एक मास्किंग टेप लिया है। अभी मैं मास्किंग टेप को यहाँ से हटा दूँगी, और इस तरीके से जो भी मुझे कलर का शेप रखना है, जो भी आपको कलर जिस तरीके से करना है, आप ट्रे को उस तरीके से कलर कर सकते हैं और उसे एक अच्छा सा लुक दे सकते हैं। तो ये ट्रे रेडी हो गया है, फाइनल ऐसा दिखेगा ये। अभी जो कोस्टर्स मैंने बनाया है उसको रखने के लिए ये जो ट्रे है मैं इसे कलर कर रही हूँ। ट्रे की तरह मैंने इसे, इसके बॉर्डर को ब्लैक कलर से पेंट किया है।
और मास्किंग टेप का यूज करके मैं इसके अंदर इस तरीके से कलर कर लूंगी। उसके बाद ये मेरे सारे कोस्टर्स हैं, मैं इसे भी मास्किंग टेप का यूज करते हुए इस तरीके से जो भी मेरे को शेप देना है वो शेप मैं दूंगी और अच्छे से इसे कलर कर लूंगी। तो ये मैंने सारे कोस्टर्स को कलर कर लिया। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। बाय बाय।